तो गाइज कालका मंदिर में हम दर्शन करके आ गए हैं और अब जा रहे हैं हम लोटस टेम्पल घूमने के लिए। ये सामने है लोटस टेम्पल। तो गाइज हम आ गए हैं, अब लोटस टेम्पल में एंट्री कर रहे हैं। बेटा तू इधर सही है, चल 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 चल। तो आइए चलिए प्रवेश करते हैं अब लोटस टेम्पल के अंदर। ये देखिए, ये सामने आपको लोटस टेम्पल दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ से, तो ये है लोटस टेम्पल। ये हमारे रवि जी बारिश में भिगा भिगा घुमा रहे हैं। तो मज़ा तो बहुत आ रहा है क्योंकि बारिश भी हो रही है और धूप है नहीं, इसलिए बहुत ही सुहाना मौसम है। अभी चलेंगे और नज़दीक से दिखाएंगे हम आपको, फोटो खिंचवाना तो खिंचाएंगे जल्दी। आप देख सकते हैं लोटस टेम्पल, और इस टेम्पल के चारों तरफ आपको ये फवारा देखने को मिल जाएगा। अभी शाम होता तो चलता ही, वैसे भी बारिश है तो लोटस टेम्पल बंद है अभी, इसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं, बाहर से ही देख सकते हैं बस। कोई बात ना, बाहर से दिखाएंगे आपको। ये आप देख सकते हैं कि उधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, हर तरफ है। ये इस तरफ भी दिख जाएगा आपको, स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल आ रहा है, जाएगी बस। ये आ गए हम, फाइनली हमने देख लिया। ये है कि अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि बारिश हो रही है, और बारिश में अंदर जाना मना है क्योंकि फर्श वगैरह गंदा हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये लोटस टेम्पल का बारिश स्ट्रक्चर है, रस्सी तो है। अब मना महाराज है, मजा में रोरा कहाँ वहाँ के अपन लाइट वाइट लगा वाला जी हसन। तो ये है, ये देखिए, मैंने आपको दिखा दिया स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। देखिए बिल्कुल कमल के फूल के जैसा बना हुआ है ये आकृति, ये इमारत। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा लग रहा है। फाइनली गाइस हमने लोटस टेम्पल घूम लिया है, और आगे कहाँ जाना है ये अभी हमें पता नहीं है, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कहाँ जाते हैं। तो अब इसके बाद अगला देखते हैं, अगला डेस्टिनेशन क्या होता है हमारा।